नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम कुमार तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में सिटी जंक्शन, अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन माउन, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन माउन आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बालापुर रोड अकोला। युवक पर चाकू से हमला, कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च और पटाखों की आवाज करने वाली बुलेट पर कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। ग्राम शिलोड़ा के एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था। ये युवक SDPO को दिखाई देने पर उसे रामदासपेट पुलिस की सहायता से तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले को लेकर परिजन तथा घायल के अलग अलग बयान पुलिस के सामने आए हैं, जिससे पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में जुट गई है। आकुरफैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाली ग्राम शिलोड़ा निवासी सैयद रजाक घायल अवस्था में शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम को रेलवे स्टेशन परिसर में दिखाई दिया, जिसे उन्होंने तत्काल रामदासपेट कर्मचारियों को अस्पताल ले जाने के आदेश दिए। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक भगत निकालजे भगत ने उन्हें अस्पताल भर्ती कराया। युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से वार किए जाने की जानकारी सामने आई थी। युवक पर किसने किन कारणों के चलते जानलेवा हमला किया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी, तब इसी बीच पुलिस थाने में घायल की मां, भाई तथा पत्नी ने बताया कि सैयद राजिक ने स्वयं पर हमला कर घायल कर लिया है, जबकि जख्मी किसी और व्यक्ति द्वारा हमला किए जाने की जानकारी दे रहा था। घायल की जानकारी पर जब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकाली तो ज्ञात हुआ कि वह अकोला शहर में नहीं है। अब मामला क्या है, ये तो आगामी दिनों में पुलिस जांच में ही उजागर हो पाएगा। राज्य के पुणे तथा मुंबई में हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं ने एक बार फिर सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। देश की बेटियों पर हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ आम नागरिकों में रोष बढ़ा है। पीड़िताओं को न्याय देने की मांग तथा मृत पीड़िता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनपा विपक्षी नेता साजिद खान पठान के नेतृत्व में कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। अकोला महानगर पालिका से सिटी कोतवाली तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे के अलावा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक अमानकर, महानगर अध्यक्ष बबन राव चौधरी, पूर्व मंत्री अजहर हुसैन, प्रदेश महासचिव प्रकाश ताइडी, पार्षद मोहम्मद इरफान समेत कांग्रेस कार्यकर्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस अवसर पर सिटी कोतवाली चौक में मान्यवरों ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की तथा दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। जुल्म के साये में बोलेगा कौन, अगर हम चुप रहे तो बोलेगा कौन। आज देश के अंदर जो माहौल है, दिल्ली के अंदर साबिया और राबिया के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जो गैंग रेप बच्ची के साथ में हुआ, पूना के अंदर एक नाबालिग बच्ची के ऊपर बलात्कार हुआ, बॉम्बे के अंदर साकी नागा के ऊपर बलात्कार हुआ, उसके बाद में अमरावती ज़िले में हुआ, तो देश के अंदर आज बेटी सुरक्षित नहीं है। ये कैंडल मार्च उन सत्ताधारियों के खिलाफ में है जो सत्ता की भाव में आकर नीचे लोगों को देख नहीं रहे हैं और आज हमारा जीना दुश्वार हो गया। महंगाई तो थी, लेकिन महंगाई के साथ में आज हमारी बच्चियों का रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया। कंपनी द्वारा निर्मित बुलेट के साइलेंसर में बदलाव कर चालक उसमें पटाखों की आवाज उत्पन्न करने वाले साइलेंसर लगाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण के अलावा सड़क पर हादसों की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए ट्रैफिक विभाग के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल की अगुवाई में ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। विगत 5 दिनों में ट्रैफिक विभाग ने 7 वाहनों को जब्त कर लिया।
वाहनों से साइलेंसर बदलने तथा उन पर जुर्माने की कार्रवाई के बाद उसे छोड़ दिया गया। इसी बीच रविवार को भी ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 8 और बुलेट जब्त कर ली। ट्रैफिक विभाग की मुहिम के चलते साइलेंसर में बदलाव कर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया है। ट्रैफिक विभाग के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक गजानन छिलके ने इसी तरह की मुहिम चलाकर साइलेंसर जब्त करने के पश्चात उस पर बुलडोजर चला दिया था। सामान्य नागरिक उम्मीद जता रहे थे कि वाहन चालक अपनी हरकतों से बाज आएंगे, लेकिन वाहन धारक पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद पटाखों वाले साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। वाहन धारकों को बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी वे अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन नागरिकों की जान और सलामती तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कटिबद्ध है। यदि वाहन धारक आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वो तैयार रहे, इस तरह की चेतावनी ट्रैफिक पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल इन्होंने दी है। होली के बाद त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसकी शुरुआत गणपति बाप्पा से होती है। उसी के बाद मंगला गौरी का आगमन होता है, जो 2.5 दिन के लिए आती है। महाराष्ट्र में विविध जगहों पर महालक्ष्मी की स्थापना की जाती है। सभी अपनी परंपरा और पद्धति से माँ गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। मंगला गौरी के लिए बहुत सुंदर सजावट की जाती है, लेकिन कुछ सजावट औरों से अलग होती है। इसी तरह की सजावट बुलढाणा जिले के चिखली और शेगांव में भी की गई है। चिखली में मंगला गौरी को ट्रैक्टर पर विराजमान किया गया है, तो वहीं शेगांव में कोरोना बीमारी के दौरान सभी की सेहत पर असर हुआ है, इम्यूनिटी कम हुई है। इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए रोज व्यायाम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसको लेकर संदेश दिया गया। साथ ही शेगांव की रेणुका सूर्यवंशी, इनके यहाँ पे केरल की वरद लक्ष्मी की रूप में महालक्ष्मी की स्थापना की गई, जिसकी वजह से भक्तों को केरल की वरद लक्ष्मी के दर्शन हो गए। सभी ने अपनी श्रद्धा के साथ मंगला गौरी की स्थापना की। आइए देखते हैं इस अनोखी सजावट की एक झलक। आधुनिक पद्धतीनं किंवा आपणही कुठतरी कुठं बैल दिसत नाही, कुठं जनावरं दिसत नाही, सर्व आता ट्रॅक्टरच्या भरोशावर आलेली आहे शेती। त्या हिशोबानं असं वाटलं किंवा आता आपण गौरायलासुद्धा आपण ट्रॅक्टरमध्येच घेऊन यायचं ठरवलं, त्या हिशोबानं आम्ही तो एक प्रयत्न केला। आरोग्य हीच आपली खरी संपत्ती आहे आणि त्या आरोग्याला आपण जपलं पाहिजे। आपण हेल्दी फूड खाल्ले पाहिजे, म्हणजे की मस्त खा आणि स्वस्त राहा, हा सुद्धा संदेश आम्ही या महालक्ष्मीच्या औचित्याने देत आहोत जनतेला। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी मलकापुर रोड अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन माउन, अनाज किराना ड्राई फ्रूट कटलरी क्रॉकरी कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन माउन आपका विश्वासी, हमारी पहचान, वाशिंग बाईपास बालापुर रोड अकोला। युवक पर चाकू से हमला, कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च और पटाखों की आवाज करने वाली बुलेट पर कार्रवाई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं ताजा खबरों के साथ। आप बने रहिए सिटी जंक्शन के साथ, अपना चैनल अपनी बात